टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का रोल निभाने वाले कवि कुमार आजाद की मौत से इंडस्ट्री सदमे में है। आजाद की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई और इसके लिए उनके लाइफस्टाइल और वजन को भी कारण माना गया, लेकिन मौत की वजह इतनी सिंपल नहीं है। हंसराज हाथी की 8 साल पहले बायोट्रिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर मुफी लाकड़वाला के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों की माने तो मौत की वजह उनका काम बना। काम नहीं मिलने के डर से वो अपना वजन नहीं घटाना चाहते थे। डॉक्टर मुफी ने स्पॉट बॉय को बताया कि 8 साल पहले कवि कुमार उनके पास क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। उन्हें कई बार बैरियाट्रिक सर्जरी की सलाह दी गई, लेकिन काम न मिलने के डर से उन्होंने मना कर दिया। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उन्हें 10 दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा क्योंकि वो इसके बिना सांस भी नहीं ले सकते थे। सर्जरी से उनकी हालत सुधरी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें दूसरी सर्जरी की सलाह दी, पर वो तैयार नहीं हुए। कवि कुमार को लगा कि वे बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरे के सामने पैडिंग कर मोटा दिखने की सलाह भी उन्होंने ठुकरा दी। डॉक्टर का कहना है कि अगर वो सर्जरी के लिए फिर से राजी हो जाते तो आज जिंदा होते। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।